हेलो दोस्तों, मैं राहुल देशमुख आपको स्वागत करता हूँ। जैसे कि आपने किया मोटर्स की गाड़ियों के बारे में सुना होगा, काफ़ी बढ़िया गाड़ी बनाती है, एसयूवीज बनाती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाती है, सेडान व्हीकल्स बनाती है और आने वाले टाइम में और भी गाड़ियाँ बनाने वाली। क्या आप जानते हैं कि किया मोटर्स साउथ कोरिया की मल्टीनेशनल कंपनी, इसकी जो शुरुआत हुई थी 1944 में हुई थी, यानी 1944 में इसकी शुरुआत हुई थी। और क्या आप ये जानते हैं कि ये जो सबसे पहले बनाती थी वो बनाती थी बाइसिकल्स के पार्ट, यानी साइकिल्स के पार्ट्स बनाती थी, और आज ये कंपनी कार्स आपको प्रोवाइड करवा रही हैं, वो भी एक अच्छी क्वालिटी की और अच्छे फीचर्स के साथ। तो जहाँ से इन्होंने शुरुआत की थी, आज एक कहीं और बैठे हुए हैं, तो काफ़ी बढ़िया इन्होंने शुरुआत करी है। और लेकिन इसके साथ साथ इनको काफ़ी सारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा है। 1990 में इन्होंने अपनी गाड़ियों को अलग अलग देशों में एक्सपोर्ट करना चालू करा था, जहाँ पर इन्हें काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला। लेकिन 1998 में इन्हें बैंक करप्ट कर दिया गया, क्योंकि वहाँ की आर्थिक स्थिति ख़राब हो गई थी। उसके बाद से इन्होंने इन्हें ख़रीदा और इसके साथ काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट किया, फैक्ट्रीज नई डाली, नए इनोवेशंस किए। उसके बाद इन्होंने अपना मार्केट पे पूरी तरीके से कब्ज़ा कर लिया। तो इस जगह पर है जहाँ पे इन्हें काफ़ी अच्छी गाड़ियाँ अच्छी क्वालिटी के साथ, अच्छे इनोवेशंस के साथ ये कस्टमर को प्रोवाइड कर रही हैं। तो काफ़ी बढ़िया गाड़ी बनाती है भैया, अगर आप भी ट्राई करना चाहते हो तो किया सोनेट देख लीजिए जाके, काफ़ी बढ़िया गाड़ी है। मैं मिलूंगा आपको और किसी वीडियो में ऐसी कहानियों के साथ, टाटा मोटर्स, मारुति, किया, एमजी के साथ। कीजिएगा लाइक, कीजिएगा शेयर, कीजिएगा। बाय।